नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा के परासिया में बस और ट्रक के आमने सामने की टक्कर 12 लोग हुए घायल। बस मालिक के मना करने के बाद भी ड्राइवर पप्पू ने बस तेज चलाई। परासिया 11 तारीख की सुबह जो नारदेव से नागपुर जाने वाली बस सुबह 5 बजे नागपुर के लिए निकली और सोना पिपरी के आते आते 7 बजे ट्रक के आमने सामने जा टकराई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। मौके पर दोनों ड्राइवर मिलाकर 12 लोग घायल हो गए, जिसमें 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। छिंदवाड़ा परासिया रोड पर जाम लग गया। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विपरीत दिशा से आ रहे ट्रक को टक्कर लगते ही ट्रक सड़क के साइड में उतर गया। परासिया से नागपुर की ओर जा रही बस क्रमांक MP28P2786 छिंदवाड़ा की ओर से आ रहे ट्रक क्रमांक RJ11GC7198 से आमने सामने जा टकराई। टक्कर होते ही बस में सवार लोगों की चीख पुकार शुरू हो गई। लोगों ने उतरकर घायलों को बस से बाहर निकाला। घटनास्थल पर पहुंचे सौरभ बावरिया, मोहन थापा, राकेश साहू आदि लोगों ने 6 घायलों को छिंदवाड़ा भेजा, जबकि 2 घायल परासिया इलाज के लिए लाए गए। घटनास्थल पर परासिया थाना TI ने पहुंचकर JCB से दोनों वाहनों को सड़क के किनारे करके आवागमन चालू कराया। खिरसा डोह से बैठे यात्री ने दुर्घटना का आंखों देखा हाल बताया। सुबह नागपुर जाने के लिए एक रेलवे कर्मचारी खिरसा डोह में से बस में सवार हुआ। उसने बताया कि बस कोसमी के आगे जाते ही रफ्तार पकड़ ली, जिस पर बस में बैठे बस मालिक फिरोज ने 2 बार ड्राइवर पप्पू को बोला कि गाड़ी धीरे चलाओ, पप्पू गाड़ी धीरे चलाओ, किंतु सोना पिपरी मोड़ पर आते आते बस की रफ्तार और तेज हो गई और मोड़ पर पप्पू ने बस पर नियंत्रण नहीं रख पाया, जिससे बस ट्रक में जा टकराई। छिंदवाड़ा जिला ब्यूरो, धनंजय वर्षमुद्रकर जोशी की रिपोर्ट। या तो फिर अंधा मोड़ रहा होगा वहाँ। नहीं, मोड़ तो हाँ बराबर साफ दिख रहा था, लेकिन स्पीड में तो उधर ट्रक भी स्पीड में रहा, क्योंकि इसका मालिक बार बार, जो कंडक्टर था ना फिरोज, हाँ, वो बार बार बोल रहा था पप्पू गाड़ी धीरे चला, वो तेज चलाते गाड़ी में सही बात है, मना कर रहा था। 2 बार मना किया, रोड में भी मना किया था उसने, जहाँ से मैं बैठा था। तो जब सोना पिपरी वाला मोड़ मोड़ा था तो वहाँ पर उन्होंने मना किया था कि पप्पू गाड़ी क्यों तेज चला रहा, धीरे चला। बाकी लोगों को छिंदवाड़ा रेफर किए, 2 लोग को यहाँ लाए, लोग चले गए, वो भी ठीक है। मैं रेलवे में हूँ मैडम, उसको भी आप लोग एक्सरे करा के मतलब बच गए, ये आपको नाक के पास लाए, यहाँ दवा नहीं लगाया, दवाई दी, एंटीबायोटिक दवाई दी, एक्सरे एक बार करवा के स्टाफ की। ये बीपी की जब चलती है। नहीं, अभी तो होगा 160।